हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया का नंबर वन चैनल केडी लाइव यूट्यूब पर। तो देश और दुनिया की तमाम बेहतरीन खबरों के साथ मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ। मेरे दोस्त, जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करते हुए सभी लोग लाइव जुड़ेंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर करिए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। देखो, नीतू, देवेंद्र, अमरिंदर, निधि, अंजलि, नंदिनी, पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से जुड़ेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी आइए सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग जल्दी जल्दी और सभी लोग लाइव आ जाओ। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्या। हर साल, ठीक है, इनमें से किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25th सितंबर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डी है जगजीवन राम। ए बी सी डी कमेंट करेंगे जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। भोले राम, इंदिरा, देवेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए श्रद्धा, नंदिनी, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट पहला किसका आ रहा है देख रहे हैं। तो कमेंट आ गया क्या? सी आ रहा है। अंजू, नंदिनी, श्रद्धा, नंदिनी, काजल, क्यारा, सभी का सी आ रहा है। सी 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 पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो बिल्कुल सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। कब? सॉरी, अटल बिहारी लिख दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है और उसी के उपलक्ष्य में क्या अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 25 सितंबर 1916 को मथुरा यूपी में हुआ था, ठीक है, और इनकी डेथ 11 फरवरी 1968 को हो गई, ठीक है। बीजेपी की जो बैकबोन यानी उसकी प्रिलिमिनरी जो पार्टी है, जनता पार्टी सॉरी जनसंघ के संस्थापकों में से एक माने जाते थे, ठीक है। जनसंघ के संस्थापकों में से एक माने जाते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सर, पीएम नरेंद्र मोदी कल हमारे जयपुर में आए थे। अरे क्या बात है, अंजलि शर्मा, ठीक है। अभी देखिए इलेक्शन का टाइम शुरू हो गया है, 23-24, तो अभी तो क्या है, राहुल गांधी भी जयपुर गए थे, अभी प्रधानमंत्री भी। एक बार यार सेशन को शेयर कर दो, देखो अभी कहाँ रह गए सारे, जल्दी से जो कहाँ रह गए देखो सबको जगा दो जल्दी से, सो रहे हो तो जगा दो जल्दी से, ठीक है। और जल्दी से सभी लोग लाइव आओ, सभी लाइव जुड़ेंगे। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, अंत्योदय दिवस है ग्रामीण शहरी
गरीबी। अंत्योदय योजना का मतलब है क्या? ग्रामीण शहरी गरीबी को कम करना। कम करना कैसे? स्किल डेवलपमेंट करके, स्किल डेवलप के माध्यम से, और क्या, और जो भी बेसिक सुविधाएं हो सकती है अंत्योदय योजना के तहत, उसको ग्रामीण और शहरी गरीबी को किसी तरीके से क्या करना, कम करना, ठीक है। और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में किया था। कब किया था? अंत्योदय योजना सन 2000 में किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय योजना की शुरुआत सन 2000 में किया था। और सन 2014 से 2014 से 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस। ठीक है, 2014 से 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। एक एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्त, सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाओ, जल्दी से सभी लोग सेशन को एक एक बार शेयर कर दो और सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। देखिए, तो ये है अंत्योदय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम 5 अगस्त 2018 को बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन स्टेशन कर दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। हर साल 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल के जन्मदिन पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल के जन्मदिन पर 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय योजना का मेन मोटिव क्या है? ग्रामीण और शहरी गरीबी को किसी तरीके से कम करना। इसके तहत सरकार स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, ठीक है। गरीब परिवारों को जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है उनको राशन प्रोवाइड करती है, और शहरी और ग्रामीण आवास योजना के तहत भी इनको आवास दिया जाता है। और किसी तरीके से क्या है, आप सभी लाइक और शेयर कर दो अंजलि शर्मा, ठीक है। ये सब समझदार है, देखो लाइक बहुत कम है, लाइव कितने ज्यादा है। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था सर? ये 2014 में मनाया गया था, ठीक है। पंडित दीनदयाल का जन्म 25 सितंबर 1916 में कहां पे? मथुरा में हुआ था। 11 फरवरी 1968 को रहस्यमयी तरीके से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। जनसंघ के संस्थापकों में से एक माने जाते थे। और क्या, अंत्योदय योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2000 में किया गया था, ठीक है। और 5 अगस्त 2018 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक एक लाइन मैंने लिखवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है जिन्होंने एकात्मकता मानववाद की अवधारणा को विकसित की थी, ठीक है। अंत्योदय शब्द का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, और इस दिन का उद्देश्य समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना है। यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? बताया तो था 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 26 से 27 सितंबर 2023 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 विल बी हेल्ड ऑन September 26 to 27 September 2023 इन विच सिटी? ए है उज्जैन, बी है इंदौर, सी है भोपाल और डी है ग्वालियर।
बी सी डी। नमस्ते सर जी, सनी नमस्ते जी, पूजा का आ गया इंदौर। कमेंट करेंगे जल्दी से, कमान सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट। पूजा का आ गया बी और संजू का आ गया, गुड मॉर्निंग सर। नंदिनी का आ रहा है बी, अंजलि का भी बी आ रहा है, श्रद्धा का बी आ रहा है, पूजा का बी बी बी। ठीक है, अभी आपके लिए 2 सेकंड का टाइम है, एक बार और सेशन को शेयर करो। देखो जितने डेली लाइव जुड़ते हैं आज उसमें कम है कुछ, ठीक है, जो डेली जुड़ते हैं कम से कम वो लोग तो आओ जल्दी से, जल्दी जल्दी सभी लोग एक एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आ रहा है, क्या इंदौर, क्या इंदौर, सभी लोग एक एक लोगों को कम से कम शेयर करिए। इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कब, 26-27 सितंबर को आयोजित होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26-27 सितंबर 2023 को ब्रिलियंट कॉन्क्लेव सेंटर इंदौर में जो है मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर को 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इसमें 2022 के जो भी इंडिया स्मार्ट सिटी के विनर हैं टॉप 100 सिटीज को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 2022 के जो टॉप 100 सिटीज हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, कब, 27 सितंबर को, और ये आयोजन कहां हो रहा है, इंदौर में, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी 2023 का आयोजन कहां हो रहा है सर, इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंदौर, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहां पे हो रहा है, 2023 का आयोजन कहां पे, इंदौर में हो रहा है, ठीक है, और 26 से 27 सितंबर के बीच होगा, जिसमें 27 सितंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें जो 2022 के विनर हैं चौथे संस्करण के उनको क्या देंगी, अवार्ड देंगी, उनको सम्मानित करेंगी। और इंदौर से ही क्वेश्चन आएगा सर, ये लगातार 7th टाइम भारत का सबसे लगातार 7th टाइम भारत का सबसे क्लीनेस्ट एंड स्मार्टेस्ट सिटी बना, लगातार 7th टाइम भारत का सबसे क्लीनेस्ट और स्मार्टेस्ट सिटी बना। मोहम्मद भाई गुड मॉर्निंग सर, मैं हूं ना, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। विनोद कुमार गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है। लगातार 7th टाइम इंदौर क्या बना, भारत का सबसे स्मार्ट और क्लीनेस्ट सिटी बना। और एक और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और सर जी, क्या 17th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17th NRI डे, क्या बोलते हैं इसे, प्रवासी भारतीय दिवस 2023, 8 से 10 जनवरी 2023 को कहां पे हुआ सर, इंदौर में ही हुआ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पे हुआ, तो आप क्या बताएंगे, इंदौर में हुआ, कब, 8 से 10 जनवरी के बीच। अच्छा हुआ क्या था, ये मनाया क्यों जाता है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, कौन, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अमित गुरु नमस्ते जी, नमस्ते मेरे भाई, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो 7 इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहां पे हो रहा है, इस बार
बार हो रहा, चौथे संस्करण 2022 का जो विनर है उनको, उन विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा 26 से 27 सितंबर इस भारत का सबसे क्लीन और स्मार्ट सिटी इंदौर में, कहां पे, मध्य प्रदेश में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। यहीं पर सर क्या 17वां एनआरआई डे प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है, जो 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ था, और इंदौर ही सर भारत का सबसे क्लीन और स्मार्ट सिटी घोषित हुआ लगातार 7th टाइम, ठीक है। शीतल मीनू विशाल यहां से चलो, अब सर रिस्पॉन्स नहीं देते, यहां ये वाले इग्नोर किया आज हमको, गैलेक्सी पर जाओ करंट चल रही है, देव भूकल। देखो सर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता ना आपको, जबरदस्ती तो आपके घर वाले नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ, ठीक है। आपको कहीं जहाँ पे भी अच्छा लगे आप वहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, और जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखा आपने, बीच फासले योजना की सूरत कब हुई थी, चलिए आगे देखते हैं। भूकल जी मैं थोड़ा सा कंटेंट पे बात कर रहा हूँ तो आपके कमेंट नहीं देख पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, आपके कमेंट भी देखता हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें कमेंट कैसे देखेंगे, आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। आपके लिए इतना एक एक क्वेश्चन एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन ले आते हैं, और आप अगर पढ़ते होंगे डेली बेसिस पे तो आपको खुद ही रियलाइज होता है क्वेश्चन में क्या दम है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इन द मॉडर्न एरा लोकेटेड, ए है न्यूजर्सी, बी है न्यूयॉर्क, सी है इंडिया यान, और डी है कैलिफोर्निया, ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से। अनाया गुड मॉर्निंग गुरुजी, अनाया जी सर जय हिंद, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई बात नहीं। अमित गुरु ठीक है चलो, अरे आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, किसी को कहीं नहीं जाना है, ठीक है, नहीं तो पिट जाओगे कोई मेरे से, अब दूर हो तो कैसे ही, चलो ठीक है। देखो सबके आंसर आ गए क्या, ए आ रहा है किसका, देवेंद्र का, न्यू जर्सी, देवेंद्र, पूजा, काजल, क्या बात है, जबरदस्त, मोहसिन, अंजलि, देव भुक्कल, सभी का श्रद्धा, सभी का सही है, बिल्कुल सही है, न्यू जर्सी सर कहां पे, अमेरिका में, यूएस में, न्यू जर्सी, यूएसए, अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक है, देखिए ये है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ठीक है, ये कब, इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को 2023 को न्यू जर्सी में किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण अमेरिका भर के 12,500 से अधिक स्वयं सेवकों की एक सेना द्वारा 12 वर्षों की अवधि में तैयार किया गया है, यानी 12 सालों की मेहनत के बाद 12,500 से अधिक स्वयं सेवकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो भारत के बाहर किसी भी दूसरे देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अब थोड़ा सा अगर बात करें, थोड़ा देख लो यहाँ पे, अब ये जो बता रहा हूं फैक्ट एकदम नोट करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ नोट करो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर क्या, देखिए 4 जुलाई 1776 को 50 राज्यों ने मिलकर एक देश बना दिया जिसका नाम है क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ठीक है, और यहां के राष्ट्रपति हैं सर कौन, यहां के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन, जो बाइडेन, कौन है, जो बाइडेन, ठीक है, और 26 जनवरी 2024 की परेड में मुख्य अतिथि कौन होगा, जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ही इस बार के परेड में क्या है, मुख्य अतिथि के रूप में इनको इनविटेशन दिया गया है 26 जनवरी 2024 को जी परेड होगी, इस बार की 74th रिपब्लिक डे परेड होगा। और सर इसकी खास बात और है, खास बात यह है इस बार 100% इसमें कौन पार्टिसिपेशन,
इस बार 100% पार्टिसिपेशन तीनों सेनाओं में कौन होगी? महिला। ठीक है, प्रधानमंत्री जी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस बार की जो 26 जनवरी की परेड है, ये क्वेश्चन लिख लो, आएगा जरूर। इस बार की 26 जनवरी की परेड में तीनों सेनाओं की जो कमांडिंग ऑफिसर होंगी, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे कर्तव्य पथ पर, जिसका नाम पहले क्या था, राजपथ था, उसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच का जो जो रोड है उस पे जो परेड होता है, तीनों सेनाओं की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगी, तीनों सेनाओं की महिलाएं होंगी उसमें, ऑफिसर से लेके और जितनी झांकी वगैरह होंगी सब में 100% कौन पार्टिसिपेट करेगा, महिलाएं करेंगी। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? रिसेंटली किरीटेश्वरी विलेज ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अवार्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया? ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है केरल और डी है पश्चिम बंगाल। ए बी सी डी, कमेंट कमेंट फास्ट आना चाहिए, एकदम कमेंट फास्ट। देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। प्रिंसेस आर्या वेलकम है आपका, अमित गुरु, देखिए अमित गुरु ऑब्जर्व करते रहते हैं कितने नए लोग हैं, ठीक है, और ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और इलाहाबाद में रहते हैं, तो अगर आप किसी का कभी सेंटर पड़े आप जाइए इनके वहाँ, खाना मिलेगा आपको फ्री में। ठीक है पूजा, जो बाइडेन जो बाइडेन। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, भरत का रहा है बी, ठीक है नित्या का रहा है, निखिल का सी, भरत का बी, डी श्रद्धा का यस सर। ठीक है, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गांव से मुझे अनजान बना दिया, ऐसी कृपा हुई गुरु की, बाकी चला गया ऊपर। देखिए डी 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 आ रहा है क्या, पश्चिम बंगाल। हाल ही में राज्य की किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला, किस राज्य का? तो सर बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है किरीटेश्वरी गांव, कहां पे है ये देखते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, किरीटेश्वरी गांव कौन सा, किरीटेश्वरी गांव मुर्शिदाबाद जिले में किरीटेश्वरी गांव है सर, जो क्या है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है, क्या सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है सर कौन, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका, फर्स्ट महिला रेल मंत्री भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन रहा है, ममता बनर्जी जी रही हैं भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन, बट कोई भी स्टूडेंट इलाहाबाद आए तो बताना जरूर, बिल्कुल ठीक है मैं आऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ममता बनर्जी देश की क्या है, पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और क्या है वेस्ट बंगाल की अभी वर्तमान में सीएम है सर यही। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है कौन, आनंद बोस। ठीक है, बंगाल के गवर्नर कौन है, आनंद बोस,
और सर यहीं पे एक योजना देख लेते हैं, बड़ी फेमस योजना है, अभी लॉन्च किया है, क्या? माँ की रसोई, माँ की रसोई, माँ की रसोई किसकी है? वेस्ट बंगाल की। और इसके तहत क्या है सर? इसके तहत ₹5 पर प्लेट खाना, ठीक है, ₹5 पर प्लेट खाना। और यहीं पे सर क्या है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, यहीं पर देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो चलाया जाएगा। और एक क्वेश्चन और, भारत में पहली बार मेट्रो कहां पर? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। ये देखिए क्रिटेश्वरी गांव का मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, भारत का सबसे बढ़िया पर्यटन गांव चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में क्रिटेश्वरी गांव को केंद्र द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार नई दिल्ली में 27 सितंबर को दिया जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी है क्या है क्रिटेश्वरी मंदिर की, इसमें 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है इस क्रिटेश्वरी गांव को, क्योंकि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा गांव का बड़ा आकर्षण क्रिटेश्वरी मंदिर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग वोन द मोटो ग्रैंड प्रिक्स इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023? ए है फैबियो क्वार्टरो, बी है क्या जॉर्ज मार्टिन, और सी है मार्को बेजेंची, और डी है बी बाइडर। ए बी सी डी, कमेंट फास्ट, कमेंट किसका आ गया? अमित सिंह जी, आप तो अकेले 100 को लाओ। अच्छा जी, देवेंद्र सर, बदरपुर कब आओगे? बदरपुर आएंगे कल, ठीक है, आपको याद ही है क्या अमित सिंह? चलो अभी कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, क्या बात है, जबरदस्त वॉचिंग चल रही है, लेकिन लाइक बहुत कम है, लाइक कम है, एक एक बार सभी लोग लाइक भी कर दो सेशन को। देखो सी 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 आर आ किसका, अंजलि, नंदिनी, दीपांशु, भरत, देवेंद्र, पूजा, सैनिस, काजल, सभी का आ रहा है क्या सी 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 सी, वाह भाई वाह, जबरदस्त आंसर, क्या बात है। मार्को बेजेंची कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। कहाँ के सर? ये जापानीज हैं, जापान, ठीक है। मार्को बेजेंची कहाँ के हैं? जापान के। देखिए मार्को बेजेंची कहाँ के हैं? ग्रैंड प्रिक्स 2023 विनर। ये हैं कहाँ के सर? ये हैं सर जी जापान के। कहाँ के? जापान के। अब जब जापान पहुंच ही गए हैं आप, यहां से एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, G7 2023 कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में। G7 2023 कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा जापान में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 19-21 मई। अच्छा, यहीं पे बात कर लेंगे क्या, क्वाड मीटिंग 2023 यहीं पे हुआ था, कब? 20 मई को ही। कहां पे सर? हिरोशिमा में ही, हिरोशिमा में। और यहीं पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लिखेंगे क्या, क्या भारत और जापान के
रिश्तों के 50 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पे हिरोशिमा में ही हिरोशिमा में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा में ही क्या महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किसने, पीएम मोदी ने किया। ठीक है सर, प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पर ही। सर आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगती है देवेंद्र राजपूत, थैंक यू सो मच रियत। ठीक है सर, जयपुर कब आ रहे हो? अमित सिंह, अब तो जयपुर आना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी यहाँ पे क्लास बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तब यहाँ से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो देखते हैं। भारत और जापान के रिश्तों में 50 वर्ष पूरे होने पर हिरोशिमा में ही महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अब सर यहाँ से क्वेश्चन और लिख लेंगे, पीएम ऑफ जापान, जापान के प्रधानमंत्री है कौन सर, फुमिको, फुमिको किशिदो, कौन है, फुमिको किशिदो। ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बस डेली बने रहिए, आपको एकदम जुबान पे यूं ही रटा देंगे, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा। ठीक है, बीकानेर कब आओगे सर जी? बिल्कुल आएंगे, बीकानेर तो मुझे बहुत पसंद है। आगे देखिए, पीएम मोदी ने कहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया, वेयर हैज पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ए है मथुरा, बी है वाराणसी, सी है मुंबई और डी है नई दिल्ली, ए बी सी डी। एकदम सबका आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल एकदम, ये आंसर बहुत, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे, अब पूरे भारतीय क्रिकेट टीम गई थी, 1983 वर्ल्ड कप विजेता से लेकर वर्तमान तक के जितने भी प्लेयर हैं सब पहुंचे थे वहां पे। क्या नाम है सर? देखिए आंसर आ गया, पूजा, नंदिनी, भरत, श्रद्धा, देवेंद्र, पूजा, ठीक है, हरिओम, अमित, सबका आ रहा है क्या, बी 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 वाराणसी, वाह भाई वाह, जबरदस्त आंसर, वाराणसी है अपना बनारस। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी यूपी। बनारस को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, घाटों और मंदिरों के नाम से जाना जाता है क्या बनारस को। ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे जाएंगे तो घाट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, 80 घाट, गंगा घाट है ना, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, बहुत सारे घाट हैं, और गली गली में मंदिर मिलेंगे। ठीक है, तो गली मंदिरों और घाटों का शहर के नाम से भी जाना जाता है किसको, बनारस को। अपने प्रधानमंत्री जी हैं, यहीं से सांसद भी हैं, बनारस से ही। वाराणसी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कितना, 30.6 एकड़ में बनाया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कितना, 451 करोड़ का बजट है। इसमें क्षमता कितनी है सर, इसमें क्षमता है सर 30,000 दर्शकों की क्षमता है इसमें। कितने 30 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, एल एंड टी को दिया गया है ये जिम्मेदारी स्टेडियम बनवाने का। ठीक है, अच्छा यहीं से क्वेश्चन और देख लेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, क्षमता कितनी है सर, 110,000 की क्षमता है। क्वेश्चन आएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है क्या, सरदार पटेल स्टेडियम, और उससे पहले नाम क्या था इसका, मोटेरा स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया, और इसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। सर ये है कहां पे, सर ये है अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए
बहुत ही शानदार सर। पेरेंट घर से बाहर ही नहीं जाने देते, कहाँ से देख पाएंगे प्रिंसेस आयना। पेरेंट्स घर से बाहर ही नहीं जाने देते, कहाँ से देख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना जॉब बहुत ज़रूरी है। आपकी जॉब लग जाएगी ना, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी हर तरह की जो बंदिशें हैं आपसे उनसे मुक्ति मिल जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपके पास अपने खुद के पैसे होंगे तो आपको किसी भी जगह जाने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि आप क्या है, सेल्फ डिपेंड है। आपके ऊपर लोग डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और अभी आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इसलिए क्या होते हैं, पेरेंट्स हर जगह आपको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारी रीजन होते हैं वहाँ पे। इसलिए आप क्या करिए, जॉब लीजिए, ठीक है, जॉब लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारे हैं क्या। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला वन रेस कार ट्रैक है, ठीक है। भारत में एकमात्र जहां पे फार्मूला वन रेस होता है कहां पे, ग्रेटर नोएडा में है, और इसका नाम क्या है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नाम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पे है सर, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ये कहां पे, नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज का उम्र, प्रयागराज इलाहाबाद नहीं, नाम है ये नाम, प्रयागराज का उम्र संबंधी समस्याओं के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। प्रयागराज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विच फील्ड डज ही बिलोंग्स टू। ए है पटकथा लेखक, बी है राजनीति, सी है खिलाड़ी, और डी है व्यवसायिक। ए बी सी डी कमेंट करिए जल्दी से सर। दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर कब तक की पढ़ लें, आप दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे कम से कम 12 से 14 महीने की। देखिए जनवरी से लेके अगस्त तक का कंप्लीट मंथली मैराथन करा रखा है मैंने, पीडीएफ भी भेज रखा है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भी एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उन दोनों पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, यूट्यूब पे सारी क्लासेज हैं, आप बस डालिए करंट अफेयर कंप्लीट जनवरी बाई मानसर, कंप्लीट फरवरी बाई मानसर, तो आपको मंथली वाला पूरा मिल जाएगा, पूरा रिविजन कर लीजिए। जैसे सितंबर खत्म होगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, सितंबर का भी लगाऊंगा, और आपके एग्जाम आने से पहले मैं 2-3 महीना 22 के यानी दिसंबर नवंबर अक्टूबर के भी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जितना कहता हूं उतना करते जाइए आप। तो देखिए सबके आंसर आ रहे हैं, ए भरत, पूजा, अंजलि, समान, सभी क्या आ रहे हैं, क्या ए ए ए ए पटकथा लेखक, बिल्कुल सही है, क्या बात है, जबरदस्त आंसर, सबके आंसर सही है। राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, ये रहे प्रयागराज जी, ठीक है, और ये अनिल कपूर साहब की मूवी में, अक्सर ये अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखे जाते थे, ठीक है, और कौन, प्रयागराज जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023। ए है नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू, सी है रामनाथ कोविंद, और डी है माता अमृता नंदन मई देवी। ए बी सी डी मेरे दोस्त, आज की मेहनत आपको कल जरूर क्या लाएगी, रंग लाएगी। तो कहते हैं ना कि उलझने बढ़ती गईं मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गईं मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोगों की बातों को मन में दबाए मैं अपने सपने बुनता रहा, लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरे हालात बदलेंगे, फिर ये पागल इनको नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलने के लिए पढ़ना है सर, किसके लिए, अपने के लिए, सपनों के लिए, इतिहास बदलने के लिए, इतिहास रचने के लिए, और वो काम आप करोगे। देखिए आंसर आ गया ए ए ए, अंजलि, दीपांशु, काजल, अमरिंदर, पूजा, सभी का आ रहा है ए ए ए। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो सभी का आंसर बिल्कुल गलत हो गया, पहली बार सारे आंसर गलत। और देखो संजू बाबा का आ गया डी, संजू बाबा ने गूगल कर लिया है ना, संजू बाबा जी गूगल कर लिए पक्का, मुझे पता है, ठीक है, मजा आ गया गुरु जी, क्या बात है। माता अमृता नंदन मई देवी ये कहाँ की हैं, केरला की हैं, केरलम, केरल का नया नाम क्या है सर, केरलम, क्या है, केरलम, याद रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। ए बी सी डी, कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट करेंगे, अंजलि का डी सही था। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, जब आंखों ने अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिए सर, कुछ करके जाना है, ठीक है। तो सभी के आंसर आ रहे हैं ए ए ए ए, अंजलि, नंदिनी, श्रद्धा, भरत, सभी के आ रहे हैं ए, मध्य प्रदेश। क्या बात है, जबरदस्त आंसर। तो आंसर सभी के सही है, मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे सर? एमपी में है। मध्य प्रदेश का ये कौन सा सातवां, भारत का क्या 54वां टाइगर रिजर्व है? ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लिख लीजिए। और ये अधिसूचना कब जारी हुई? 22 सितंबर 2023 को बताया गया। ये कौन से? नौरादेही सागर, रानी दुर्गावती। ये नौरादेही सागर जिले में स्थित है रानी दुर्गावती, ठीक है, टाइगर रिजर्व। जिला कौन सा? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। कुल एरिया कितना है इसका? देखिए 141,400 हेक्टेयर में यह है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर सर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को, इसको इंदिरा गांधी ने शुरू करवाया था, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको शुरू किया गया था। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व 1973 में जिम कार्बेट वहां पे उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देवेंदर, पूजा सर, सभी को कुछ ना कुछ करने के लिए हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल तो है ही, किसी ने बोला कि जिंदगी में क्या चल रहा, मैं कहा जिंदगी में संघर्ष चल रहा, संघर्ष में जिंदगी है, और जिंदगी मजे में है और मजे में हम हैं, ठीक है। जिंदगी एक संघर्ष है और मैं इस संघर्ष का योद्धा हूं, इसलिए करूंगा और अब तक का सबसे बेहतर एफर्ट लगा के करूंगा, जो भी करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ अन्य टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। कौन सा? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974 में बना था। पेंच टाइगर रिजर्व कब बना था? 1992 में बना था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कब बना था? 1993 में बना था। पन्ना टाइगर रिजर्व सर कब बना था? 1994 में बना था, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व 2008 में। रानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में। और रातापानी टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है अभी, ठीक है, अभी ये बना नहीं है। अच्छा, बाघों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं सर। देखिए, तो 2018 तक कितने थे? 2967 थे, लेकिन अभी 2022 में बाघ सेंसेस हुआ। 2022 में सर बाघ सेंसेस हुआ, 2022 में जब बाघ सेंसेस हुआ तो सर इसमें कुल कितने? 3682 बाघ ऑन कैमरा, 3682 बाघ गणना में आए, ठीक है। अच्छा, इसमें 2022 का बाघ सेंसेस हुआ है, सबसे अधिक कहां पे सर? एमपी में। एमपी में सबसे अधिक कितने? 785 हो गए, 785। 2018 में एमपी में कितने से सर? 2018 से बढ़ के अभी कितना हो गया? 785 सबसे ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हो गए? 3682। 2018 में कितने थे? 2967। 2022 में कितने? 3682 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी? ए है संजीव मंत्री, बी है भार्गव दास गुप्ता, सी है संदीप बक्सी और डी है चंदा कोचर। ए बी सी डी। सर जी, मैं आपका आशीर्वाद से आज एक छोटी सी जॉब पर हूँ। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैंने आपका पूरा मैसेज पढ़ नहीं पाया, लेकिन
कंग्रेचुलेशन मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट, कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, ठीक है, आपकी जॉब के लिए। अभी देखिए किसका आ गया, कपिल का आ गया ए, भरत का ए, नंदिनी का ए, पूजा ए, 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 ए सब क्या आ रहे हैं ए। तो संजीव मंत्री बिल्कुल सही है, आईसीआईसीआई। चलिए कमेंट करके बताइए आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करिए आईसीआई का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई का क्या है फुल फॉर्म है सर, एग्जीक्यूटिव का पेपर बता दो कब है, ठीक है। अब ये डबल एआई ये देखना पड़ेगा पेपर कब है उसका, ठीक है। संजीव मंत्री साहब है ये। अब जो 10 का दम जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है 10 क्वेश्चन, एक मिनट में हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल, देखिए आ गया किसका, नंदिनी का आ गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संजू बाबा का भी आ गया, पीबी का भी आ गया, अंजलि का आ गया, पूजा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, तो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना, एस्टोनिया। जल्दी से कम ऑन फास्ट। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना सर, न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई, फिलीपींस। इस देश की रेल कंपनी एल्टास स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाला वंदे ट्रेनों का निर्माण करेगी, फ्रांस। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर किसको बनाया गया, मिशेल बुलाक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइकल CSS क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा, भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी इस देश में चलाया गया, नॉर्वे में। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, सारा। भारत फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया, ओमान की खाड़ी में। इस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया सर, किसने, चाइना ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता, तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता, ए है गोल्ड मेडल, बी है सिल्वर, सी है ब्रॉन्ज मेडल और डी है इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी, जल्दी से करिए। हेलो नंदिनी जी, शंकर कुमार पढ़ लो, वो तो हरिओम जी का कुछ ज्यादा ही फेवरेट है। अच्छा चलिए आगे बताइए, आगे जल्दी से कमेंट करेंगे किसका आ गया, देखिए भरत का आ गया, भरत का ए, नंदिनी का ए, भरत ए, नंदिनी, निखिल, देवेंद्र ए, 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 गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। तो सबके आंसर जिनके भी ए आ रहे हैं, बिल्कुल जिनके भी आंसर आ रहे हैं, जिनके भी आंसर आ रहे हैं क्या, ए बिल्कुल गलत है और सही आंसर क्या है, बी सिल्वर, क्या सिल्वर, ठीक है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या 19वें एशियाई खेल 2022 जो 2022 में होना था, जो जैसे एक्चुअली क्या हुआ था 2018 में हुआ था, कौन सा 18वां एशियन गेम, कहां पे, जकार्ता इंडोनेशिया में, 2022 में होना था, 4 साल बाद होता है, तो 22 में क्या हुआ, ये हुआ नहीं चाइना में कोविड की वजह से, क्योंकि प्रस्तावित चाइना में ही था, तो 2023 में अभी आयोजित हो रहा है, तो 19th इसीलिए लिखा है क्या, 2022 जो वर्ष 2023 में आयोजित हुआ चल रहा है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, चेन चेन कांग कांग्स और लियान लियन रोबोट,
मेजबान शहर कौन है? होंगजो, चीन का होंगजो। आयोजन तिथि कब? 23 सितंबर से चलेगा और ये 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, ठीक है। मुख्य स्थल कहाँ? होंगजो स्पोर्ट्स स्टेडियम। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगो। लवलीना बोरगो कौन है? जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो 2021 में हुआ था कोविड की वजह से, उसमें क्या है, मेडलिस्ट है। और ठीक है, हरमनप्रीत सिंह कौन है सर? हॉकी कैप्टन है। कौन है? हॉकी कैप्टन, ठीक है। और थोड़ा सा कल का अपडेट दे देते हैं आपको। भारत ने कल तक 11 मेडल क्या कर लिए थे? जीत लिए थे, ठीक है। भारत ने एशियन गेम में कल तक कितने 11 मेडल जीत लिए थे, जिसमें से कितने, देखो, दो गोल्ड किसमें? महिला क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम, ठीक है। महिला क्रिकेट टीम ने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। और किसने? और शूटिंग में गोल्ड, भारत ने दो गोल्ड जीत लिया। कितने? दो गोल्ड, 6 कांस्य, 6 कांस्य यानी ब्रॉन्ज और 3 रजत यानी क्या, सिल्वर। एक कल तक की अपडेट है और आज के जो भी मेडल है कल बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया एशियन गेम में आज कल तक का भारत का प्रदर्शन। और ये देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 का विषय क्या है, थीम? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2023? वैश्विक स्वास्थ्य में परिवर्तन, बी है फार्मेसी आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा भरोसेमंद, सी है फार्मेसी एक लक्ष्य विश्व के लिए कार्रवाई में एकजुटता हुई, और डी है फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। ए बी सी डी जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। सर आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं मैं, जी एक्स कहाँ पे पढ़े हैं आप, ठीक है। काल भैरव देखिए, और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सभी के आंसर सही होने चाहिए। तो सर देखो किसका आ गया, बेरोजगार का आ गया सी, गौरव सिंह का बी आ गया, काल भैरव का सी। तो जिनके भी आंसर आ रहे हैं बी सी वो सबके गलत हैं सर। 7 अक्टूबर को बिहार पुलिस एग्जाम होने वाला है और मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है ड्यू टू सम फैमिली इशू, तो मैं क्या करूं सौरभ? कुछ भी करना नहीं है, पेपर दे के आना है, ठीक है। और अभी 7 अक्टूबर में आपके टाइम बचे हैं, जो भी 10-12 दिन, उसमें जितना पढ़ा है आपने अच्छे से रिविजन कर लीजिए, ठीक है। खास करके बिहार जी का पढ़ लीजिए और इंडिया का करेंट, दो चीज़ तैयार कर सकते हैं अभी आपके पास 8-10 दिन है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये फैमिली रिलेशन इन सब चीजों के उलझन में ना पड़िए, ये आपके करियर का पीक टाइम चल रहा है, ये उलझने परमानेंट रहेंगी, आप कभी सुलझा नहीं पाएंगे, चाहे दुनिया के कितने बड़े अमीर आदमी बन जाए, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। अभी करियर बनाने का टाइम है, तो फैमिली रिश्तेदार इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़िए, इनको इग्नोर करिए। इग्नोर का मतलब अपने ऊपर टाइम खर्च करिए, घर में क्या चल रहा है ये सब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब आपकी जॉब हो जाएगी, पैसे कमाने लगोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मेन फोकस किस पे? पढ़ाई पे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो देखिए जिनके भी आंसर आ रहे हैं डी बिल्कुल सही है, फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करता है, फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, ये क्या है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 का थीम है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, ठीक है। 2009 में इस्तांबुल तुर्की में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस ने 25 सितंबर को वार्षिक विश्व फार्मास्यूटिकल दिवस घोषित किया। और जैसा कि हम हर दिन एक देश के बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम बाल्टिक देश लेके आए हैं। बाल्टिक देश कौन से होते हैं? जो बाल्टिक सागर के आसपास यूरोप महाद्वीप का देश है, ठीक है। वे देश जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है उन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। इनमें से लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल है, ठीक है। तो देखिए लिथुआनिया, इसकी राजधानी क्या है?
विलियंस, विलियंस। मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? यातनस नौसेदा। और ऑक्सटोजन हिल कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? ठीक है। नेमन नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तालीन। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? अलार कारीस और सूरी मुनमानी सुर सॉरी सुर मुनामांगी सबसे ऊंचा पर्वत है। सुर मुनामांगी सबसे ऊंचा माउंटेन है इसका। और सबसे लंबी नदी कौन सी है सर? बहुंडू नदी। ठीक है। अच्छा, लाटविया कौन सा? राजधानी क्या है? रीगा। मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? एडगर्स रिके विक्स। और गाइजी कार्लसन हिल्स क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। और गौजा नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अच्छा, कुछ विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं देख लीजिए, जैसे सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट कहां का? चीन का है। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किसका? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। केजीबी जीआरयू ये किसका है? रूस का इंटेलिजेंस है। अच्छा, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किसका? दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है। स्पेशल ब्रांच ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन किसका है? ये यूके का है। ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किसका? पाकिस्तान का है। ठीक है। और ये अभी आपने पढ़ाई था, मार्को बेचेंजी जो ने जीता क्या भारत का पहला ग्रैंड प्रिक्स इंडियन, और ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। और इसी तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त। आप सभी को लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कल आपकी लाइव क्लास ये करेंट अफेयर वाली नहीं होगी, परसों फिर लाइव क्लास होगी। ठीक है। यानी थर्सडे को सुबह 8 बजे, यानी परसों सुबह 8 बजे फिर सभी लोग जुड़ेंगे, जिसमें मैं कल का और आज का दोनों का अपडेट लेके आऊँगा। तो कल आपका रेस्ट है, और रेस्ट में आप क्या करेंगे? जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उन सब का रिविजन करेंगे, नोट्स जरूर बनाते होंगे। आज का सेशन कितना महत्वपूर्ण था आपने देखा ही होगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं कब? परसों सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच आप सभी को। ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सभी को नमस्ते, राम राम, थैंक यू सो मच। चमक चमक।